हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो आज का दिन काफ़ी बड़ा हो सकता है गाइस, क्योंकि आज पुणे यूनिवर्सिटी में उदय सामंत जी आ रहे हैं। और उदय सामंत जी जब भी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो हमें अपडेट्स देखने को तो मिल ही जाते हैं। तो आज क्या अपडेट हमें देखने को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा गाइस, जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज रीओपन हुए हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो देखिए गाइस, जो कॉलेज रीओपनिंग का रिस्पॉन्स है वो ठीक ठाक है। पहले 2-3 दिन ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, बट धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बढ़ रही है। बट इसके साथ साथ ही जो कोरोना केसेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मे भी आगे जाके ऑनलाइन को ही और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते हैं। बट अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हम कंफर्टेबल है, क्योंकि यार एक तो बात है कि जब फिजिकल क्लासेस में आप जाओगे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको पता रहेगा कि कैसे सब कुछ चल रहा है, क्या हमें सिखा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। बट फिलहाल के कंडीशन में ऑनलाइन ही ठीक है, क्योंकि जो कोरोना केसेस है और बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या जो रीओपनिंग का डेट्स है उसको एक्सटेंड किया जाता है या फिर इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा इस कल नागपुर यूनिवर्सिटी का जो विंटर एग्ज़ाम है उसके ऊपर आर्टिकल आया था, जिसमें लिखा था कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस पे हो सकती है और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उनकी जो एग्ज़ाम है वो मोबाइल बेस पे हो सकती है। तो इससे गाइज यही पता चल रहा है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो मेनली MCQ बेसिस पे हो सकती है। अगर कंप्यूटर बेस पे होगी तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसके होने के चांसेस तो मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप में हमें लिखना पड़ता है और उसको अपलोड करना पड़ता है, तो उसके तो चांसेस कम लग रहे हैं। बट अगर डिस्क्रिप्टिव और MCQ रहता है और मोबाइल फॉर्मेट में होगी तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये कोर्स की मोबाइल पे होगी या ये कोर्स की कंप्यूटर पे होगी, तो उसके ऊपर गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इंजीनियरिंग के कोर्सेस है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्सेस है, फार्मेसी, लॉ, तो इनके कल के आर्टिकल में बोला गया था कि जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस पे हो सकती है और जो BSc BCom वगैरह जैसे कोर्सेस है उनकी जो एग्ज़ाम है वो मोबाइल बेस पे हो सकती है। बट ये एक आर्टिकल में लिखा है, इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो यार जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज के लिए वहाँ पे एक्सेप्शन भी रहता है और जो प्रैक्टिकल बेस्ड भी कुछ कुछ कोर्सेज रहते हैं तो उनका कैसे होगा, उनके प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन होगे ऑफलाइन होगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी और वो भी देखने लायक रहेगा। इसके अलावा इस नागपुर यूनिवर्सिटी के जो बैकलॉग रिजल्ट्स है उसके ऊपर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया है। बस जो लास्ट अपडेट था वो 15th February तक का ही जो लास्ट अपडेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैंने सुबह चेक किया तो अपडेट नहीं आया है। अगर दोपहर या फिर शाम तक कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में अपडेट कर दूंगा और बता दूंगा कि आप चेक कर लो ये रिजल्ट्स लग चुके हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी फिलहाल इसके अलावा कोई भी अपडेट्स नहीं है। कॉलेज रीओपनिंग का भी वही शुरू है, धीरे धीरे कॉलेज शुरू है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के तो बंद है क्योंकि वहाँ पे जो कोरोना की सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जब उदय सामंत जी आज आएंगे लाइव तो उनका क्या अपडेट आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।